अच्छा कुकिंग वर्ल्ड तो जैसे कि आज माशाल्लाह से बाहर का रोज़ा है और आज हम लोग जो है वो बस घर की तैयारी में महसूस है। तो यहाँ बच्चों ने काफ़ी शोर मचा रखा है इसलिए मेरी आवाज़ आप लोगों को काफ़ी समझ में नहीं आ रही है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि बच्चों ने क्या दिमाग खराब किया। ये देखें सबसे पहले तो मोहम्मद अफनान, मोहम्मद अफनान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपने क्या मस्तियाँ लगा रखी हैं? रेस करवा रहे हैं। और कौन कौन है आपके साथ? ये मोहम्मद बुरहान, मोहम्मद हादी और मोहम्मद राहीम। भाई इन बच्चों ने जो है ना सुबह से शोर मचा रखा है, उधम मचा रखा है। इन लोग का खेल जो है ना वो ख़त्म नहीं हो के गया है सुबह से, क्योंकि इनकी छुट्टियां चल रही है रमज़ान की, इनके पेपर वगैरह डन हो गए हैं और रिज़ल्ट भी आ चुका है। तो अब ये बच्चे जो है ना सुबह से शाम तक यही करते हैं। आज हैं जी, चलते हैं किचन में। किचन में जो है वो छोले एक तरफ बॉईल हो चुके हैं, अब दूसरी तरफ जो है हरा मसाला वगैरह की तैयारी चल रही है। तकरीबन 5 बज रहे हैं, यहाँ हमने इमली की चटनी भी तैयार कर ली है। आलू छोले वगैरह रेडी करके रखने हैं। अब एक तरफ चूल्हे पर जो है वो सालन भी पक रहा है, मसाला भुन रहा है। यहाँ हम पकौड़ों का बैटर तैयार कर रहे हैं। हम मिक्स पकौड़े बनाते हैं, इसमें आलू पालक वगैरह भी ऐड कर लेते हैं ताकि वो पकौड़ों का जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का आता है। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। बेसन डालने के बाद मिक्स करके हम इसको 15 से 20 मिनट देते हैं, छोड़ते हैं रेस्ट के लिए। फिर ये बहुत ही मज़े के और यमी यमी से पकौड़े हमारे बनके तैयार होते हैं। इसके बाद यहाँ हम शरबत बनाएंगे रूह अफ़ज़ा का। रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए हम पहले चीनी लेंगे। चीनी माशाल्लाह से हम लोग इसमें तकरीबन 250 ग्राम के करीब ऐड करते हैं। यहाँ बच्चे जो है वो अपने अपने एक्टिविटी में मसरूफ़ है, इनका एक ही काम है लड़ना। अब चीनी अच्छे से घोल लेते हैं। सालन भी तकरीबन पकने लगा है, अब हमने इसमें आलू वगैरह ऐड कर लिए। हम अंडे आलू बना रहे हैं। अब यहाँ देखते हैं, हमने पानी बॉईल करने रखा है, अब इसमें थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा ऐड कर देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है हमारे पास। हम माशाल्लाह से हर चीज़ साथ साथ तैयार करते हैं। छोले और छोलों का हमने यहाँ मसाला तैयार करा हुआ है, अब बना लेते हैं क्रिस्पी फ्राई पकौड़े। पकोड़ों के बाद चलते हैं अफनान की तरफ और थोड़ी सी बात करते हैं उनसे। सलाम अलैकुम अफनान। क्या कर रहे हैं आप? देखें इधर क्या कर रहे हैं? वेरी गुड। बस आप ऐसे लेटे रहिएगा अफतारी तक, ठीक है? ओके चलें जी, तो चलते हैं अफतारी की तरफ। माशाल्लाह से सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं और अफतार में सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं। तो बैठते हैं और दुआ करते हैं। आप लोग भी मुझे अपनी दुआ में याद ज़रूर करिएगा। सारी चीज़ें माशाल्लाह से बहुत ही औसम लग रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मेरी मुलाकात होती है। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।